रंगपंचमी पर्व की पूर्व संध्या पर यदि हास्य बजरबट्टू कवि सम्मेलन और फाग उत्सव नहीं मनाया जाए तो पर्व का रंग फीका नजर आता है। इस परंपरा को बनाए रखने के उद्देश्य से नव सृजन संस्था के तत्वावधान में पंचमी के पूर्व संध्या को नगर के सुभाष मार्केट स्थित फाग उत्सव और हास्य बजरबट्टू कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां श्रद्धालुओं और श्रोताओं ने इस आयोजन में शामिल होकर कवि सम्मेलन और फाग उत्सव का लुत्फ उठाया। खरगोन जिले के बड़वा स्थित सुभाष मार्केट में शुक्रवार रात्रि 8 बजे भजन संध्या का आयोजन हुआ, जहां मथुरा के रसिक दाऊ भैया और उनकी टीम ने शानदार धार्मिक भजन की प्रस्तुति दी। इसके पूर्व सत्तीघाटा स्थित राधा कृष्ण मंदिर के गादीपति महंत सुंदर भारती महाराज ने सरस्वती माता के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर भगवान राधा कृष्ण के अनुरूप 2 बालिकाओं ने श्रद्धालुओं के साथ फूलों की होली खेली। ये 1,02,555 श्रोता मेरे सामने बैठे हुए हैं, क्योंकि सरदार जी बैठे हुए हैं, सरदार तो 1,25,000 के बराबर हो, तो 1,25,000 से गिनते वाह, 1,25,000 से एक लड़ा हूँ तब गोविंद सिंह नाम का, वाह 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 वाह। तब मैं कहना चाहता हूँ, भगत सिंह को फांसी दी जाने वाली पूर्व संध्या पर उसकी माँ विद्यावती जब जेल में भगत सिंह से मिलने गई थी तो भगत सिंह ने एक छोटा सा प्रश्न किया। भगत सिंह ने कहा, माँ माँ कल जब ये तेरा लाल फांसी के फंदे पे सो जाएगा, मौत की वादी में खो जाएगा, तब तुम रोओगी तो नहीं, अपना आंचल आंसुओं से भिगोगी तो नहीं। तो भगत सिंह की माँ ने कहा, बेटे तेरे दिल में यह ख्याल भी कैसे रहा, अरे देशभक्तों की जननियां तो अपने रक्त से गुलामी के दाग धोती है और राष्ट्रहित पुत्र के बलिदान पर सिंहों की मां नहीं सियारों की मां रोती है। राष्ट्रहित पुत्र के बलिदान पर सिंहों की मां नहीं सियारों की मां रोती है, और मैं तो सिंहों के सिंह की मां हूं, बबर सिंह भगत सिंह की माँ हूँ। मैं तेरी शहादत पर रोऊंगी नहीं, खुशी से वारी जाऊंगी, तू आजादी की दुल्हन लेने जा, मैं शकुन के लड्डू बटवा। छोटे से छोटे अखबार और बड़े से बड़े अखबार ने इन 2 पंक्तियों को कवि सम्मेलन का शीर्षक बना करके बहुत बार छापा है। हर नाता छोटा है, हर नाता छोटा है, सबसे बड़ा देश का नाता इस नाते की आन से माता ऊंचा होता माता। अरे जन्म जन्म के पुण्यों का, जन्म जन्म के पुण्यों का जब फल देता है विधाता, तब जाके कोई नारी होती शहीद की माता। वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया, वाह दादा वाह। जन्म जन्म के पुण्यों का जब फल देता है विधाता, तब जाके कोई नारी होती शहीद की माता। तू जितनी बार जन्म ले, तू जितनी बार जन्म ले, देश पे शैदा होना, पर मेरे लाडले मेरी कोख से पैदा होना, पर मेरे लाडले मेरी कोख से पैदा होना। अब बात आखिरी सुन ले, मेरे जिगर के टुकड़े
हंसते हंसते फांसी चढ़ना मेरे प्यारे पुतड़े। अरे फांसी के इतिहासों में दो पंक्तियां फिर देना चाहता हूँ। आपने फिल्मों में सीरियल में कहीं फांसी के सीन देखे होंगे, लेकिन एक ऐसी फांसी थी तो माँ विद्यावती ये बात कह सकती है। वो कहती है, अब बात आखिरी सुन ले मेरी जिगर के टुकड़े, हंसते हंसते फांसी चढ़ना मेरे प्यारे पुतड़े। अरे फांसी के इतिहासों में, वाह, फांसी के इतिहासों में इतिहास नए गढ़ लेना, अपने चेहरे पर काला कपड़ा मत ढकने देना, अपने चेहरे पर काला कपड़ा मत ढकने देना, जब तक सांस चले तब तक हो मातृभूमि के दर्शन, भारत माता सम्मुख हो फिर करना प्राण विसर्जन। अरे मरते दम तक तन मन तेरा, मरते दम तक तन मन तेरा, जीवन देश पे मचले और वंदे मातरम हो होठों पर जब प्राण तुम्हारे निकले, वंदे मातरम। ऐसा है कि यूनिक भाई बता रहा है, कर दीजिए तालियों को राकेश भाई को, ये कवि सम्मेलन बजर बट्टू कवि सम्मेलन बनने के लिए तैयार हो जाए। वो दूसरा आदमी का है कि दुख गाय मालूम, यो 12 साल बाद नरेंद्र मोदी बना को। उज प्लानिंग से प्लानिंग और कहीं नहीं है वाच। चलिए हम आपका बीच में हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जहां सारे